अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बड़े मज़ेदार सी अंडा चने की ग्रेवी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल क्विक और इजी सी रेसिपी है। जब मैं बताऊंगी कैसे बनेगा अंडे और चने की ग्रेवी, उसके लिए मैंने दो टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, तीन लिए हैं हमने लहसुन। इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड, एक पेस्ट बना लेंगे। ले मैंने देगची ले ली है, देगची में मैंने हाफ कप जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं एक स्मॉल साइज़ का प्याज डाल दूँगी। अब इसको फ्राई कर देंगे जिसे ब्राउन होता है, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। जब देखते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो गए, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। हमने जो ग्राइंड किया था पेस्ट, इसमें दो टमाटर डाले थे, प्याज डाला था और लहसुन डाली थी। इसमें हम डाल देंगे दो दालचीनी और छह काली मिर्च साबुत, एक चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, एक चम्मच नमक का, आधे चम्मच से कम हल्दी, एक चम्मच कुटा हुआ जीरा, एक चम्मच कुटा हुआ धनिया। जब ये सारी चीज़ें डाल दी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे जिसे अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर हम इसको एक दो भुनाई देके फिर चने डाल देंगे। अब देखते हैं 5 मिनट गुजर गए, अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जिससे अच्छी तरह से ऑयल पे आ जाए सारा मसाला। ये आप देख सकते हैं 1-2 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे चने। मैं इसमें 1.5 कप चने इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने इसको बॉयल कर दिया था पहले से। अब इसके साथ अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यह आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें पानी डाल देंगे। जी आप देख सकते हैं हमने इसमें 2 कप जितना पानी डाल दिया। अब इसको फुल फ्लेम करते हैं जिससे अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए। जी आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गए हैं। अब इसको लो फ्लेम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह मज़ेदार से हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। फिर हम इसमें अंडे डालेंगे। जी आप देख सकते हैं 10 मिनट गुजर गए, मज़ेदार से हमारा चना ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं बॉयल एग डालूंगी, इसको मैं काट लूंगी। पहले मैंने इसको काट लिया है, मैंने 3 बॉयल एग लिए हैं। ये बड़ा मज़े का बनेगा, आपने ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल क्विक और इजी सी रेसिपी है। ये हमने इसमें अंडे सारे डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम हरी मिर्ची डाल देंगे, 3-4 आपने हरी मिर्ची ले लेनी है, थोड़ी सी हरा धनिया। जो आप देख सकते हैं हमने इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची डाल दी। अब इसको हम 1-2 मिनट रख देंगे ढक्कन देके जिसे अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर गर्मा गर्म आप सर्व करें। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारे अंडा चने की ग्रेवी रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब हम सर्व करेंगे सर्विंग डिश में। ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी अंडे चने की ग्रेवी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दादा दोस्तों।